Honourable Member. Thank you, Honourable Member. Thank you. Thank you. Thank you. Honourable Sri Sanjay Singh Ji, you have 7 minutes. धन्यवाद मान्यवर, आपने बजट पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अपनी बात अदम गोंडवी जी की लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है मानव। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं मानव, इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां है मानव। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के अंदर, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। मान्यवर, इस सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का मजाक उड़ाया, उन किसानों का जो पिछले 75 दिनों से आंदोलन पर हैं, 170 लोगों की शहादत हो चुकी है, उनको आंदोलन जीवी कहकर मजाक उड़ाया गया। और जब आपने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाया तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाकुल्ला का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। और हमें फक्र है, सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो, हमें फक्र है अपने उन क्रांतिकारियों पे, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों पे, अपने उन आंदोलनकारियों पर कि वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, अंग्रेजों से माफी मांगते नहीं थे, वो अंग्रेजों से दलाली नहीं करते थे, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते थे। विचारधारा के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, अंग्रेजों की दलाली करते हैं, अंग्रेजों से माफी मांगते हैं, वो आज आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। 170 लोग मान्यवर अपने खेत के लिए मर गए, 170 लोग अपने खेत को बचाने के लिए मर गए, उनकी जान संजय जी की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, नो अदर वर्ड इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप यहां उठा के उनका मजाक उड़ा रहे, उनको आंदोलन जी भी कह रहे हैं। अरे वो लोग, चौधरी चरण सिंह जी का नाम दिया गया है यहाँ पे, सत्ता के लोगों, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज 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 सुनो। पहले चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं, जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम, वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order. There's a point of order. वो जुमला जीवी नहीं है। Sanjay ji, there is a point of order. आंदोलन जीवी है। Sanjay ji, there is a point of order. जीवी है। There's a point of order. I have to allow the point of order. मुझे point of order allow करना है। Sanjay ji, one minute. Sir, point of order under rule 240. Okay. Under rule 240, any member who speaks in a discussion should not speak irrelevant things. So this is a discussion on the budget. यहाँ पे बंगाल हिंसा हो रही है सर, यहाँ बंगाल हिंसा। Let him complete. उनको खत्म करने दीजिए। Sanjay ji, I'll allow you to speak. उनको खत्म करने दीजिए। I'll allow you to speak, Sanjay ji. एक मिनट। हेलो इस सदन के अंदर दादागिरी, संजय जी वो खत्म कर दे। यस प्लीज, दादागिरी चला रहे हो। अंडर रूल 240, द रूल सेज दैट
an honorable member, when he speaks, he should not speak irrelevant things and things which are not related to the subject of discussion. So it is this discussion is on the budget. This is not related to some other discussions. So the discussion should be on the budget. बोले संजय जी कंटिन्यू, संजय जी कंटिन्यू सर। जय जी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। आई एम अलाउइंग हिम टू कंटिन्यू, प्लीज संजय जी कंटिन्यू। डिप्टी चेयरमैन संजय जी कंटिन्यू। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर, क्यों बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है, इनको बगैर पानी पिया मैं ठीक करूंगा, चिंता मत करो। यहां पे कहा गया मान्यवर भूपेंद्र यादव जी को, द्वारा ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए, डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए। संजय जी प्लीज स्टार्ट कर, हमें तो याद है डॉक्टर लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, हमें संविधान दिया, हमें संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया, हमें यहां बोलने की आजादी दी। यहां पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं। संजय जी प्लीज कंक्लूड, संजय जी बदौलत आए हैं, प्लीज कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। कंक्लूड कर रहा हूं सर, इतना तो याद कर लो। इसीलिए बीएमएस भारतीय मजदूर संघ जो आपका है, आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया, आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए। अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप लोग देश को बेच रहे हो, और क्या क्या बेच रहे हो, क्या क्या बेच रहे हो? संजय जी कंक्लूड करें प्लीज। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। संजय जी टाइम इज ओवर, कंक्लूड करें पूरा 30 सेकंड बेच दिए, प्लीज कंक्लूड। आई लाइक टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। ये बोलने नहीं देते, आप कंक्लूड करें संजय जी। वहां किसान को नहीं बोलने देते, यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बोलते, सदन का अपमान है सर। हम लोग कोई बच्चे नहीं है, इन लोगों से ज्यादा राजनीति करके आए, लाठी खा के जेल जाके आए, दादागिरी मत दिखा रहे। संजय जी प्लीज कंक्लूड, आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्पीकर। बोलूंगा और आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज मंत्री जी प्लीज। श्री रामदास अठावले जी प्लीज, आई एम नॉट अलाउिंग एनी।